बलौदा बाजार सीएम डॉक्टर रमन सिंह जी का विकास यात्रा नगर पंचायत भटगांव हेलीकॉप्टर से आगमन हुआ, जिसके बाद सीएम अपनी विकास रथ में सवार होकर भटगांव सभा स्थल पहुंचे। साथ में गौरीशंकर अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, पूनूलाल मोहले, कमला पाटले एवं सनम जांगडे के साथ साथ भाजपा के नेतागण और जिले के अधिकारी मौजूद रहे। डॉक्टर रमन करोंडो के विकास कार्य का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया और सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भटगांव को तहसील बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने किसानों को भी बड़ी सौगात देते हुए कहा कि अब 7,500 यूनिट बिजली खपत के बाद फ्लैट रेट में पाने का विकल्प दिया जा रहा है। एक से अधिक 5 हाउस पंप वाले किसान अब फ्लैट रेट पर भुगतान कर सकते हैं। ये किसानों की पुरानी मांग थी, जिसे मुख्यमंत्री ने पूरा कर प्रदेश के अन्नदाताओं को सौगात दी है। सीएम रमन ने कहा, 1700 करोड़ रुपए बोनस बांटने निकला हूँ। आपके घर पहुंचने से पहले आपके खाते में बोनस पहुंच जाएगा। वही कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, जबकि बोनस उठाने में कांग्रेस के लोग ही सबसे आगे रहते हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस क्षेत्र को मैं पवित्र क्षेत्र मानता हूं। जिस जिले में गिरौदपुरी और सोनाखान है, यहां आता हूं तो एक सम्मान का भाव रहता है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान आयुष्मान भारत योजना का जिक्र करते हुए बताया कि लोगों को अब गंभीर बीमारी के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक की मदद मिलेगी। इस दौरान उन्होंने लोगों को बताया कि सरकार जल्द 50 लाख स्मार्टफोन बांटने जा रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय स्तर पर लोगों की कई मांगों को पूरा किया। हम विकास यात्रा निकाले साथियों, और एक कांग्रेस के मित्र विकास खोजो यात्रा निकाले। कांग्रेस को विकास नहीं दिखता, सड़क नहीं दिखता, पुल नहीं दिखता, स्कूल नहीं दिखता। इस क्षेत्र के अद्भुत जो विकास के काम हुए हैं, आज इन गांवों का भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ है, उसको ही मैं देख रहा था। करोड़ों करोड़ रुपया के 104 करोड़ के काम, 49 करोड़ के कामों का भूमि पूजन, 54 करोड़ के इलाज का लोकार्पण और 34,000 हितग्राही। एक जगह में 2,000 मुख्यमंत्री साइकिल सहायता योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक औजार योजना 1500, सुरक्षा उपकरण 1500, विवाह सहायता योजना 300, उज्ज्वला गैस सिलेंडर 500, बोनस का वितरण होगा। छत्तीसगढ़ के किसानों को 1700 करोड़, 1700 करोड़ का बोनस बांटने निकला हूँ भाइयों। आज बटन दबा के आपके पूरे खाते में आप घर पहुंचोगे नहीं, पैसा पहुंच जाएगा। ऐसी व्यवस्था घर पहुंचने के पहले अभी बटन दबाते ही आप सबके खाते में 1 सेकंड में 300 रुपया प्रति क्विंटल बोनस धान का आपके खाते में पहुंच जाएगा। कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस के मित्रों से पूछ, दर्जा प्राप्त है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, प्रशासनिक दिक्कत आती है। भटगांव को तहसील का दर्जा आज घोषित किया जाता है, आप सबको भी बहुत अच्छा। तो फिर वो रेट उसका जो होता है वो काफी बड़ा रहता है, कमर्शियल रेट में रहता है। अब हम कर रहे हैं प्रथम वार्षिक निःशुल्क विद्युत की सीमा से अधिक बिजली खपत करने पर बिजली बिल को फ्लैट रेट में पानी का विकल्प हम दे रहे हैं। क्या फ्लैट रेट में भी उसको दिया जा सकता है, ताकि आपका जो बिजली का बिल 7,500 रुपये से ज्यादा लगता है, उसके बाद रेट काफी बड़ा रहता है, उसे फ्लैट रेट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। किसानों के पास एक से अधिक पंप रहता है, एक पंप तक तो हमने उनको छूट दिया है फ्लैट रेट के भुगतान का। अब हम कह रहे हैं कि 5 हॉर्स पावर की अधिक क्षमता वाले एक से अधिक पंपों को भी फ्लैट रेट में भुगतान की सुविधा हम शुरू करना चाहिए। 2 पंप का उसके लिए भी हो जाएगा। और तीसरा पंप पूंजीकरण हेतु अभी तक 1 लाख रुपये की सब्सिडी पंप के लिए दिया जाता था, बिजली का पंप लगाना है, वो अनुदान बंद होने से किसानों के अंदर चिंता का भाव था। पंप पूंजीकरण हेतु 1 लाख प्रति पंप के मानक से अनुदान फिर से आज से शुरू किया जा रहा है, ताकि बोरिंग करने वाले किसानों के लिए, नलकूप करने वालों के लिए 1 लाख का बोनस मिले।